नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल का पूरा हाल, जहां पर आज भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर लंच से पहले ऐसा शिकंजा कसा जिसमें कंगारू टीम फंसते चली गई और आज दूसरे दिन का खेल भारतीय टीम ने अपने नाम कर ली। दोस्तों आपको बताएंगे आज के दिन के खेल का पूरा वीडियो, किस भारतीय खिलाड़ी ने आज ऑस्ट्रेलिया को रौंदने में बड़ी भूमिका निभाई और कैसे अच्छा खेल रही ऑस्ट्रेलिया एकाएक भारतीय टीम से पिछड़ गई, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं टीम इंडिया चौथे टेस्ट में कंगारुओं को हराए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तो खराब शुरुआत के बाद भी कंगारू बल्लेबाजों ने शाम तक अपने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन पर ही अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत की अनुभवहीन गेंदबाजी का फायदा उठाया और मानस लेबुशेन ने मिले दो जीवनदान का खूब फायदा उठाया और इस सीरीज में अपना पहला शतक जड़ दिया, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 5 विकेट पर 274 रन बनाए। तो वही दोस्तों आज दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए अपने स्कोर को 311 रन तक पहुंचा दिया था और एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। तो ऐसे में दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को तोड़ना शुरू किया और 47 रन बनाकर खेल रहे कैमरून ग्रीन को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। दोस्तों इन दोनों ने 98 रनों की साझेदारी की। ग्रीन के आउट होते ही भारतीय गेंदबाजों ने तबाही मचा दी और ऑस्ट्रेलिया के 500 रन बनाने के सपने पर पानी फेर दिया। आज भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी की, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं 311 रन पर 5 विकेट खोने वाली ऑस्ट्रेलिया 369 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों आज दूसरे दिन भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया और दिन के शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया। ऑस्ट्रेलिया को सिमटने में तीन गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई, जहां अपना पहला मैच खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन तीनों गेंदबाजों ने तीन तीन विकेट अपने नाम किए, जबकि एक विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को लंच तक 369 रन पर सिमटने के बाद लंच के बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन तीसरे टेस्ट की तरह चौथे टेस्ट में टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए। दोनों ने संभल कर खेलते हुए 6 ओवर में 11 रन बना लिए थे, लेकिन जैसे ही टीम पैन ने पैट कमिंस को गेंद सौंपी तो कमिंस ने अपने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को स्लिप में कैच आउट करवा दिया और 11 रन पर ही भारत को पहला झटका लग गया। दोस्तों गिल ने 7 रन बनाए। गिल के आउट होने के बाद चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों पहला विकेट जल्द गिरने के बाद रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। पुजारा तो अपने अंदाज में ही डिफेंस बोर्ड में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित ने थोड़ा अटैकिंग रुख अपनाया हुआ था और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं भारतीय टीम के 50 रनों में 36 रन रोहित शर्मा ने बनाए थे। दोस्तों रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे थे और बढ़िया शॉट भी खेल रहे थे, लेकिन वे अपनी पारी को एक बड़े स्कोर में बदल नहीं पाए। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे लेथन लॉयन ने रोहित को कैच आउट करवा के भारत को बड़ा झटका दिया। रोहित ने 44 रन बनाए। अब दोस्तों 60 रन पर 2 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुसीबत में आ गई, तो ऐसे में पुजारा और कप्तान रहाणे के कंधों पर टीम को इस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी हो गई। दोस्तों रहाणे और पुजारा काफी डिफेंसिव बैटिंग कर रहे थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन दोनों ने 30 गेंदों तक एक भी रन की पार्टनरशिप नहीं कर पाए थे। दोस्तों रहाणे 2 रन बना पाए थे और भारतीय टीम का स्कोर 62 रन था कि बारिश आ गई और मैच को रोकना पड़ा।